गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन सिक्स का, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ इफेक्ट। बच्चों, फिशर ने न्यूक्लीन को आइसोलेट किया था, न्यूक्लीन नाम दिया था डीएनए का। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी के लॉज दिए, सटन और मॉर्गन ने बताया कि डीएनए क्रोमोसोम में होता है और क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियाई में होता है। लेकिन ये पता नहीं चल पाया था तब तक व्हाट एक्चुअली इज द जेनेटिक मटेरियल। इज इट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन? और इसी को प्रूफ करने के लिए 1928 में ग्रिफिथ, बच्चों ग्रिफिथ एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और उसने एक्सपेरिमेंट किया डिप्लोकोकस निमोनी पे। तो आपको पता चलेगा डिप्लोकोकस क्या है। बच्चों, आपने लास्ट ईयर 11th में जब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, तो कोकस मीन्स स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, डिप्लो मीन्स टू कोकाई व्हेन कम टुगेदर, जब एक दूसरे के पास आते हैं दैट इज नॉन एज डिप्लोकोकस। क्योंकि ये डिप्लोकोकस निमोनी मैमल्स में निमोनिया कॉज करता था तो इसका नाम पड़ गया न्यूमोकोकस। तो डिप्लोकोकस निमोनी को कॉमनली क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमोकोकस कहते हैं। और इसकी दो स्ट्रेन होती है, टू डिफरेंट स्ट्रेन। एक स्ट्रेन है स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके बाहर एक पॉलीसेकेराइड का एक कैप्सूल होता है, और ये क्योंकि वायरुलेंट है तो निमोनिया कॉज करेगा। दूसरी स्ट्रेन है रफ ए वायरुलेंट। रफ क्यों है? क्योंकि इसकी कॉलोनी के बाहर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं है तो ये रफ शेप में होता है और ये निमोनिया कॉज नहीं करता है, तो ये हार्मलेस है। स्मूथ वायरुलेंट जो स्ट्रेन है उसको एस टाइप कहते हैं या एस स्ट्रेन कहते हैं, और रफ हार्मलेस बैक्टीरिया को आर टाइप या आर स्ट्रेन कहते हैं। तो बच्चों, उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको बताते हैं। स्टार्ट। बच्चों, ग्रिफिथ ने क्या किया, एस टाइप, एस मीन्स स्मूथ वायरुलेंट जो कि निमोनिया कॉज करेगा, उसको इंजेक्ट किया माइस में। माइस में निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि आर टाइप कैसा था? हार्मलेस था, क्या नहीं करेगा, निमोनिया कॉज नहीं करेगा। उसको इंजेक्ट किया माइस में तो माइस लाइव, उसकी डेथ नहीं हुई क्योंकि न्यूमोनिया उसको नहीं हुआ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने बच्चों क्या किया कि एस टाइप स्ट्रेन लिया या एस स्ट्रेन लिया, उसको हीट करके किल कर दिया, और उस हीट और किल एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस लाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई। अब डेथ कब कब हो रही थी? जब एस टाइप इंजेक्ट किया तो डेथ हो रही थी। डेथ कब नहीं हो रही थी कि आर टाइप और हीट एंड किल एस टाइप को जब इंजेक्ट किया तो दोनों कंडीशन में माइस की डेथ नहीं हुई। उसने इन दोनों को मिक्स किया बच्चों, किन दोनों को? तो हीट एंड किल एस टाइप, गर्मी से मारे गए एस टाइप बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो
एस टाइप कैसा है? किल्ड है. और आर स्टेन कैसा है? लाइव है. इन दोनों को मिक्स करके जब उसने इंजेक्ट किया माइस में तो उसकी डेथ हो गई. बाद में उसने उस डेड माइस को जब ऑब्जर्व किया तो उसको उस माइस में लाइव एस स्टेन बैक्टीरिया मिले बच्चों, जबकि इंजेक्ट क्या किया था? किल्ड एस टाइप और मिला क्या? लाइव एस टाइप. तो उसने कंक्लूजन निकाला कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो मरे हुए एस स्ट्रेन से कहाँ पहुंचा होगा? लाइव आर स्ट्रेन में. कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ से कहाँ पहुंचा? मरे हुए एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में. और उस जेनेटिक मटेरियल ने इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया बच्चों. किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? तो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया. उस मटेरियल को ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कहा और प्रिंसिपल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा बच्चों. क्यों ट्रांसफॉर्मिंग? तो ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इसमें से कुछ मटेरियल है जो लाइव आर में जा रहा है और उसके करेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. ए वार्नेट से उसको वार्नेट बना दिया और रफ से उसको स्मूथ में ट्रांसफॉर्म कर दिया. दैट प्रिंसिपल इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब लिमिटेशन क्या थी बच्चों? ग्रिफिथ क्या नहीं बता? ग्रिफिथ की प्रॉब्लम क्या थी? तो वो इस जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर को नहीं बता पाया. वो नहीं बता पाया कि ये कौन सा मटेरियल है. क्या ये डीएनए है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, या ये प्रोटीन है. तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे आई बच्चों कि वो इसके बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो इसी पे किया बच्चों, किया तीन साइंटिस्ट ने, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी. उन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किया बच्चों. जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो एक्चुअली है क्या? तो उन्होंने क्या किया कि एस टाइप के जो बैक्टीरिया था, एस टाइप का जो बैक्टीरियम है, एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरियम है, उसमें से पॉलीसेक्राइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए को सेपरेट किया और उसके बाद इन सेपरेटेड आइसोलेटेड जो मटेरियल थे उसको इसमें डाल दिया बच्चों. चार टेस्ट ट्यूब ली, उनमें कल्चर मीडिया डाला, चारों में कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया को कल्चर करना है, और चारों में आर टाइप बैक्टीरिया को डाल दिया. ठीक है बच्चों, टेस्ट ट्यूब चार ली, चारों में क्या डाल दिया? कल्चर मीडिया प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में बच्चों इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को डाल दिया. दे इंसर्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. तो एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया का जो कार्बोहाइड्रेट था, पॉलीसेक्राइड था, उसमें डाल दिया. दूसरे वाले में बच्चों प्रोटीन डाल दिया. कहाँ से? एस स्ट्रेन से लिया गया प्रोटीन. तीसरे वाले में बच्चों डीएनए को इंसर्ट किया. किसका डीएनए? एस स्ट्रेन का डीएनए. और चौथी टेस्ट ट्यूब इंटरेस्टिंग है बच्चों, उसमें क्या डाला? तो आर स्ट्रेन के साथ डीएनए डाला एस टाइप का, एस स्ट्रेन का, और एक एंजाइम डाल दिया बच्चों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज. रिजल्ट देखो बच्चों क्या आया. तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो आर बैक्टीरिया था वो अलाइव रहा, वो आर ही रहा. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया आर ही रहा, लाइव था तो लाइव रहेगा. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी बच्चों कुछ नहीं हुआ, वो आर ही रहा. फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट डाला था, अर्थात कि वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि आर आर ही बना. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी बच्चों देखो, प्रोटीन था,
तो ये आर टाइप ही रहा। इसका मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखो आर रखा था आपने और एक कन्वर्ट हो गया एस में, क्या डाला था, डीएनए। तो क्या प्रूफ हो गया बच्चों कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है, डीएनए है। क्यों? क्योंकि ये आर को एस में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है और प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए फोर्थ वाले टेस्ट में बच्चों क्या डाला था, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ एस स्ट्रेन का डीएनए डाल दिया और एक एंजाइम डाल दिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। बच्चों ये एंजाइम क्या करेगा, ये डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, अर्थात अब डीएनए का अस्तित्व नहीं है। और जब डीएनए का अस्तित्व नहीं है तो क्या होगा, आर आर में ही रहा, आर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि डीएनए के साथ एंजाइम डाल दिया, जिस इस एंजाइम ने डीएनए को क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रॉय कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो इससे एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।